वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, एक ऐसे सेगमेंट की जहां हम बात करते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स और इवेंट्स की जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। Along with this, इस सेशन के एंड में हमारे पास होंगे कुछ जरूरी क्वेश्चंस भी, which will be based on all the facts we discussed today. आप अवश्य ही इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और हमें कमेंट्स सेक्शन में इनके उत्तर जरूर बताइए, क्योंकि इनसे भी आपको आने वाले सभी एग्जाम्स में बेहद मदद मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब चलिए और शुरुआत करते हैं 1 फरवरी के दिनांक से जुड़े हमारे सभी आवश्यक हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट यहाँ संबंधित है वर्ष 1835 के साथ, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियली अक्वायर्ड दार्जिलिंग। अंटिल द अर्ली 18th सेंचुरी, दार्जिलिंग वाज अ पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ सिक्किम। सिक्किम पर नामग्याल राजवंश के चोगल का शासन था, जो वंशानुगत सम्राट थे। The Gurkhas of Nepal invaded Sikkim continually and in 1780 they कैप्चर्ड सिक्किम, और उन्होंने इस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले इलाकों पे भी कब्जा करने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप देयर वाज अ वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड द गोरखास व्हिच वाज वन बाय द ब्रिटिश एंड दिस लेड टू द ट्रीटी ऑफ टिटालिया इन 1817। इस ट्रीटी के अंतर्गत द राजा ऑफ सिक्किम वॉज रिस्टोर्ड हिज किंगडम बाय द ब्रिटिश, परंतु इसके बदले में ही लॉस्ट हिज सोवरेनिटी टू द ब्रिटिश, स्पेशली इन द मैटर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। 1827 में फिर से सिक्किम और नेपाल के बीच मतभेद हो गई और इसके कारण ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दो अधिकारियों को नियुक्त किया। इनका नाम था कैप्टन जॉर्ज लॉयट और जे डब्ल्यू ग्रांट। इन फेब्रुअरी 1829 कैप्टन लॉयड स्पेंट अ फ्यू डेज इन दार्जिलिंग, जो इनको बहुत ही ज्यादा पसंद आया, और इस समय दार्जिलिंग का नाम था ओल्ड गोरखा स्टेशन ऑफ दार्जिलिंग। क्योंकि इनको दार्जिलिंग इतना ज्यादा पसंद आया और इन्होंने डिसीशन लिया कि यहाँ पे एक सैनिटोरियम भी स्थापित किया जाए। जनरल लॉयड नेगोशिएटेड विद सिक्किम्स मोनार्क और एक फ्रेंडली जेस्चर के रूप में दार्जिलिंग वाज गिवन टू द कंपनी। बदले में कंपनी ने राजा को 3,000 रुपये वार्षिक देने का वादा किया और इस रकम को बाद में बढ़ा के 6,000 रुपये कर दिया गया था। इन 1839 द कंपनी ब्रॉट आर्किबाल्ड कैंपबेल एज द फर्स्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ दार्जिलिंग। कैंपबेल को सही मायने में दार्जिलिंग के विकास के लिए जिम्मेदार माना जाता है। उन्होंने वहां सड़क बनाने की योजना की शुरुआत की, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिल कॉर्प्स की स्थापना करी और उन्होंने क्षेत्र में अप्रवासी कल्टीवेटर्स को भी लाया। 10 वर्षों में इस क्षेत्र की जनसंख्या 100 से बढ़ के लगभग 10,000 हो गई, परंतु इस समय द रिलेशनशिप विद सिक्किम ऑल्सो बिकेम वेरी वेरी स्ट्रेन्ड। There were conflicts on and off and the annual allowance of 6,000 was also discontinued. 1861 में Treaty of Tumlong made Sikkim a British protectorate. इसके बाद दार्जिलिंग में भी शांति स्थापित हो गई और it was Dr. Campbell who discovered that tea grew very well in this climate, और तब से लेके अब तक दार्जिलिंग अपने टी उत्पादन के लिए बेहद प्रसिद्ध रहा है और 1847 के ऑनवर्ड्स यहाँ टी नर्सरीज की स्थापना भी करी गई थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कई चाय बागान यहाँ बनाए गए और इसी वजह से आज भी दार्जिलिंग चाय दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब चल के देखते हैं दोस्तों आज का अगला फैक्ट, विच इज एसोसिएटेड विद 1933 व्हेन इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड सरोद माइस्ट्रो बुद्धदेव दास गुप्ता वॉज बोर्न। बुद्धदेव दास गुप्ता एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे जिन्होंने सरोद वादन किया था। वह कलकत्ता से थे। At a very early age, he started taking sarod lessons from the very famous sarod maestro Radhika Mohan Maitra.
His first program on the All India Radio was as a guest artist. उन्होंने बाद में 17 से अधिक national programs दिए on All India Radio और 2011 में दास गुप्ता को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, परंतु उन्होंने इस पुरस्कार को स्वीकार नहीं किया, यह कहते हुए कि काफी देर से इनको इस प्रकार का सम्मान दिया गया। जनवरी 2012 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। He was also awarded the संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड in 1993 and संगीत नाटक एकेडमी टैगोर रत्ना in 2011। अब अगर बात करी जाए कि कौन है भारत के सबसे प्रसिद्ध सरोद वादक, तो इनमें जो नाम आते हैं वो है अली अकबर खान, अमजद अली खान, हफीज अली खान, अभिषेक लाहिरी, ज्योतिन भट्टाचार्य और कई अन्य नाम जिन्होंने सरोद वादन में अपना नाम कमाया और देश का नाम रोशन किया। With this, let's have a look at the other fact of the day, which is associated with 1955, when famous wrestling coach and former Indian wrestler सतपाल सिंह, जिनको कि गुरु सतपाल के नाम से भी बुलाया जाता था, उनका जन्म हुआ था। सतपाल सिंह, जिन्हें गुरु सतपाल के नाम से भी जाना जाता है, एक कुश्ती कोच और भारत के पूर्व पहलवान हैं। He was coached by the famous wrestling coach Guru Hanuman in New Delhi. He was a gold medalist in 1982 Asian Games and a bronze medalist in 1974 Asian Games. आज उन्हें दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और प्रियांशु नेगी के कोच के रूप में भी जाना जाता है। उनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया सरकार द्वारा, जैसे कि 1974 में अर्जुन अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन रेसलिंग, 1983 में पद्मश्री, 2009 में द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि दिया जाता है खेल की दुनिया में सर्वोच्च परफॉर्मेंस के लिए एज अ कोच और एज अ टीचर, और वर्ष 2015 में पद्म भूषण पुरस्कार। भारत के अन्य प्रसिद्ध रेसलर्स के नाम क्या हैं? तो इस लिस्ट में नाम आते हैं कुछ फेमस रेसलर्स के इन इंडिया, जैसे कि सुशील कुमार सोलंकी, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, योगेश्वर दत्त, कविता देवी, बबिता फोगट और गीता फोगट, एंड ऑफ कोर्स मेनी अदर नेम्स। यहाँ ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों कि द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ रेसलिंग स्पोर्ट इन इंडिया और इसके मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित हैं। विद दिस अब चल के देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट हमारे सामने है। ये संबंधित है वर्ष 2003 के साथ, जब US स्पेस शटल कोलंबिया डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग इट्स रीएंट्री इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जिसके कारण सारे ही अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई, इंक्लूडिंग द इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। The Space Shuttle Columbia disaster was a fatal incident in the United States space program that occurred on 1st February 2003 when Space Shuttle Columbia, yani ki OV-102, disintegrated as it was re-entering the atmosphere of Earth kuch hi minute pehle before it was scheduled to land at the Kennedy Space Center in Florida in the US. इस हादसे में सभी क्रू मेंबर्स की मृत्यु हो गई और ये डिजास्टर ऐसा दूसरा खतरनाक एक्सीडेंट था इन द स्पेस शटल प्रोग्राम आफ्टर द 1986 ब्रेकडाउन ऑफ चैलेंजर सून आफ्टर इट्स लिफ्ट ऑफ, जब कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल को फिर से एंटर किया, अतः पुनः एंटर किया, तो द डैमेज अलाउड द हॉट एटमॉस्फेरिक गैसेस टू एंटर द हीट शील्ड एंड डिस्ट्रॉय द इंटरनल विंग स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट अनस्टेबल हो गया और टुकड़ों में टूट गया। द क्रू ऑफ द कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉट्स सच एज रिक हस्बैंड, विलियम मैकूल, माइकल एंड्रसन, डेविड ब्राउन, कल्पना चावला, लोरेल क्लार्क एंड पेलोड साइंटिस्ट लैन रेमन, जो कि पहले इजरायली एस्ट्रोनॉट थे। दुर्घटना का सबसे यादगार परिणाम था कि द असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS इन अर्थ ऑर्बिट वॉज सस्पेंडेड आफ्टर द कोलंबिया एक्सीडेंट अंटिल शटल फ्लाइट्स कुड रिज्यूम। अगर बात यहाँ करी जाए कल्पना चावला की, तो आप याद रखिए दोस्तों कि शी वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इन टू द स्पेस।
With this, अब देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट आज हमारे सामने है और ये कुछ इस प्रकार है कि द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट्स और ऑब्जर्व्स इट्स फाउंडेशन डे एवरी ईयर ऑन द 1st of February. क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड और किस प्रकार मनाया जाता है फाउंडेशन डे, हम इसकी चर्चा करते हैं। और यहाँ आप ये याद रखिए दैट इंडियन कोस्ट गार्ड एक मैरिटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एंड सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी है जो कि प्रोटेक्ट करता है भारत के मैरिटाइम इंटरेस्ट्स को और इन्फोर्स करता है उसके मैरिटाइम लॉ को विद jurisdiction over the territorial waters of India, including its contiguous zone and exclusive economic zone. इसकी स्थापना करी गई थी 18 अगस्त 1978 को अंडर द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया। इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इसके हेडक्वार्टर्स अर्थात मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। इसका मोटो है वयम रक्षामः, विच ट्रांसलेट्स फ्रॉम संस्कृत एज वी प्रोटेक्ट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इन मैरिटाइम जोन्स ऑफ इंडिया एंड इज अ कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी फॉर रिस्पॉन्स टू ऑयल स्पिल्स इन द इंडियन वाटर्स। इस वर्ष अर्थात 2021 में द इंडियन कोस्ट गार्ड विल सेलिब्रेट इट्स 45th रेजिंग डे। इसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं कृष्णस्वामी नटराजन, हु अज्यूम्ड द ऑफिस इन 2019 आफ्टर डायरेक्टर जनरल राजेंद्र सिंह रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इज इक्विवेलेंट टू वाइस एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी। भारत की कोस्ट लाइन की अगर बात करी जाए तो इसकी लेंथ है 7,516.6 किलोमीटर, यानी कि मेनलैंड की लेंथ है 5,422 और आइलैंड टेरिटरीज की अगर बात करी जाए तो वो है 2,094 किलोमीटर। अब चल के देखते हैं दोस्तों कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। तो पहला सवाल यहाँ कहता है हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ दार्जिलिंग बाय द ब्रिटिश, अर्थात अंग्रेजों द्वारा दार्जिलिंग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शंस है ए कैप्टन लॉयड, बी आर्किबाल्ड कैंपबेल, सी जे डब्ल्यू ग्रांट या फिर डी कैप्टन हर्बर्ट। सेकेंड क्वेश्चन है उस्ताद अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। इज इट ए सरोद और बी सितार या फिर सी तबला और डी फ्लूट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अर्थात WFI सिचुएटेड। ऑप्शंस है आपके सामने ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद या डी चंडीगढ़। अगला सवाल है हु वॉज द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो टू द स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी। ऑप्शंस आपके सामने है ए सुनीता विलियम्स, बी कल्पना चावला, सी शोना पांड्या या डी अनुशेह अंसारी। अगला सवाल है व्हेन वाज द इंडियन कोस्ट गार्ड एस्टैब्लिश्ड, कब करी गई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना अर्थात किस वर्ष में इसको संगठित किया गया था। ऑप्शंस है ए 1977, बी 1978, सी 1979 और डी 1976। इन सभी जरूरी फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग सवालों के साथ हम आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि हमारे सभी दोस्तों को ये सेशन बेहद अच्छा लगा होगा और उन्हें इससे लाभ प्राप्त हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया हो और अगर आपको इससे मदद मिले तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। विद दिस आई सिंसियरली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग बीन अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन विद अस।